मुंबई सत्तर भाई सना जीती है इसका मतलब मैं जीता हूँ। अपनी भमाए जीती है, अपनी भमाए। मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया, तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेजी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा, लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनैलिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते हैं अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया, भाभियों ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मुझे प्यार दिया, सब ने मुझे अपना समझा, तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा। और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत मचाने वाला हूँ। एक एक करके पूछो क्या मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। गुस्सा शैतानी चीज है, गुस्से से चीजें बिगड़ जाती है, तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था, और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नज़र में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाए और पॉजिटिव रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसे ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला, क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था, और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई, तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए, तो वो सही नहीं था मेरी नज़रों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया, अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीज़ें होती है उसको समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या, मैं बोला मेरे साथ ऐसा तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरी नज़रों में गलत था, इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। क्या कहना चाहूंगी, फादर का क्या रिएक्शन था जब टॉक टू में देखा आपको और अनिल सर के साथ देखा, क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने?
तो अब्बू ने मुझे आके बहुत अच्छे से बोला कि बेटा आई एम प्राउड कि तुमने घर में सबकी खिदमत की, तुमने खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया और तुम इतने पॉजिटिव रहे, तुमने झगड़े लड़ाई नहीं करी, तुम दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा तुमने गीबत नहीं करी, तुमने चुगली नहीं करी, तुम बहुत पॉजिटिव रहे और हम लोग ने जैसी तुम्हारी परवरिश की है उसका तुमने एक अच्छा सबूत दिए। तो मेरे पेरेंट्स प्राउड थे कि मैंने इतने अच्छे से खेला और मेरे पेरेंट्स को बिग बॉस पर देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मुझे ऐसा मेरी उम्मीद की किरण जागी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझको एक्सेप्ट करने लगेंगे, मेरे प्रोफेशन को समझने लगेंगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि मेरे अब्बू बिग बॉस पर आए। मैं यही कहना चाहूंगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नजरों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है। तो सब खुश रहो और अभी असली सफर तो अभी शुरू होने वाला है। चलो उड़िया जाए।